आपका काम कितना बड़ा है, इससे इम्पॉर्टेंट है कि आपके इरादे कितने बड़े हैं। आप कितनी शिद्दत से अपने सपनों के पीछे भागते हो। आज की कहानी एक बस ड्राइवर की बेटी की है, जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे रॉकी भाई की, जो सुपरस्टार नवीन कुमार गौड़ा और यश की। जिद क्या होती है, ये मैंने इनकी स्टोरी से सीखा है। ये बंदे के पास कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं था, फिर भी इसने वो मुकाम हासिल कर लिया जो सपोर्टिंग हैंड होने के बावजूद भी कोई बंदा हासिल नहीं कर पाता। ये बंदे की स्टोरी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उसके लिए अपने आप को उस सपनों के लिए सौंप दें। ये बंदे ने किस लेवल की स्ट्रगल की है और आज ये बंदा किस लेवल की लाइफस्टाइल जी रहा है, दोनों चीज़ें आज आपको ये वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों कहते हैं कि लाइफस्टाइल बदलने के लिए कोई एक इंसिडेंट ही काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ यश के साथ हुआ था। ये बंदा कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। इनके पापा बस ड्राइवर थे और माँ हाउसवाइफ। तभी एक दिन कुछ ऐसे फेस्टिवल के चलते उनके स्कूल में एक प्ले होने वाला था। यश ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, इवन उसमें एक साइड रोल प्ले करने वाला था। पर जब वो प्ले हुआ तब यश का रोल वहाँ के लोगों को मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पसंद आ गया। लोगों की तालियों ने इस बंदे को इतना मोटिवेट कर दिया कि इस बंदे ने स्टेज पर डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। यश उस एक प्ले के वजह से स्कूल में इतना फेमस हो गया था कि सारे टीचर उसे हीरो कहकर बुलाने लगे। और कहते हैं ना कि कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। कॉलेज में इस बंदे ने सोचा कि मैं अब ड्रॉप आउट लेकर पैशन को फॉलो करूँगा। पर बॉस जैसे हमारे घर वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बंदे के घर वाले थे। उन्होंने यश को अपनी डिग्री कम्प्लीट करने का हुक्म सुना दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि यश यानी हमारे रॉकी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बने। बंदा कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, पर अपने माँ बाप की जिद के आगे कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है। अपने पेरेंट्स के खातिर यश ने अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, और फिर भी उनके पेरेंट्स यश के एक्टर बनने के सपने को लेकर खुश नहीं थे। और इस बार यश ने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके उनको कहा कि अब घर वापस आऊँगा तो एक्टर बनकर ही आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो तब उनके पापा ने एक शर्त रखी कि अगर वो बैंगलोर जाएगा तो किसी भी रिलेटिव के घर पर नहीं रुकेगा। पापा की बात मानकर 300 रुपये जेब में लेकर ये बंदा बेंगलुरु आ गया। स्टार्टिंग में तो कोई काम नहीं मिला, पर कुछ दिनों के बाद बेंगलोर में यश ने बिना का ड्रामा ग्रुप नाम का एक नाटक मंडली ज्वाइन करा, जहाँ पर यश को बैक स्टेज पर काम करना पड़ता, जैसे चाय बिस्कुट लाना, स्टेज ठीक करना वगैरह वगैरह। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के सुपरस्टार यश की ही बात कर रहा हूँ। कई बार होता है ना कि लाइफ में जो हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सर से लेकर एड़ी तक का जो लगाना पड़ता है। और यहाँ भी अगर किस्मत सही रही, सब कुछ बराबर हुआ तो ही कामयाबी मिलती है, वरना उठाकर फिर वापस शुरुआत करनी पड़ती है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कई बार पैसे ना होने की वजह से बस स्टैंड पर ही सोना पड़ा, क्योंकि पापा को प्रॉमिस किया था कि किसी भी रिलेटिव के घर पर नहीं जाऊंगा। पर इन सारी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे ये बंदा फिल्म इंडस्ट्री से कामयाब होता गया। डिस्प्ले में काम भी मिलने लगा, दिन बीतते गए, चीज़ें समझ में आने लगी, कॉन्टैक्ट बढ़ते गए, एक्टिंग सुधरती गई। और उस टाइम पर यश को नंद गोकुला नाम का एक टीवी सीरियल ऑफर हुआ। ये सीरियल में यश ने 3 साल तक काम किया और यहीं से यश की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तब यश को लोग पहचानने भी लगे थे और मूवीज में भी रोल मिलना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही एक मूवी मोगिना मानासू में एक सपोर्टिंग रोल के लिए यश को सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और इसके बाद इस बंदे का दौर शुरू हो गया। इस बीच यश ने कई सारी सक्सेसफुल मूवीज की, जैसे कि लकीर, जानू, उगली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी मूवीज़ को मिलाकर यश ने आज तक केवल 20 मूवीज ही की हैं। पर यश को पूरे इंडिया में पहचान मिली 2018 में आई सुपर डुपर हिट मूवी KGF के वजह से, और अभी आई KGF 2। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, लोगों ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और आज यश किस मुकाम पे है, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। ये बंदा मानता है कि इसका सक्सेस
के बैन की वजह से है, और इसीलिए जहां हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ गिने चुने लोगों के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ शादी करते हैं, वहां इस बंदे ने 2016 में शादी की तो पूरे कर्नाटक को ओपन इन्विटेशन दिया था। ये शादी में लगभग 40,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यार जहाँ पर 25 लोगों को संभालते संभालते नाक में दम आ जाता है, वहाँ इन्होंने 40,000 लोगों को कैसे मैनेज किया होगा, आई कांट इवन इमेजिन। इस ग्रैंड मैरिज के एक महीने के बाद तक फैन से इनको गिफ्ट मिलते रहते थे, उस टाइम वही बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी। आज इतने सक्सेस के बाद भी ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, ये आपने कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा खासा नाम बनाने के बाद भी इनके पापा बस ड्राइवर की जॉब करते थे। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अब तो आपका बेटा इतना सक्सेसफुल है, फिर भी अभी आप जॉब क्यों करते हैं, और तब उनके पापा ने कहा था कि यस अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। दोस्तों ये बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल लोगों को थोड़ी कामयाबी मिली नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसमान तक पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मेहनत इतनी करो कि लोग आपसे मोटिवेट हो जाएं, और इतना डाउन टू अर्थ रहो कि हर कोई दिल से आपकी इज्जत करे।